चोरी की है, तो सर उस बारे में कुछ बताएंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं वही बता रहा था कि ये प्रकृति का नियम है, ये भगवान का नियम है कि आप जिस बीज को दबा दोगे वो बीज फलीभूत होगा, जिसको नहीं दबाओगे नहीं होगा। कर्म हमारे बीज हैं, जो कर्म हम करते हैं वो हमारे बीज हैं। अब होता क्या है, जाने अनजाने हम जो अच्छा कर्म करते हैं उसकी हम पब्लिसिटी कर देते हैं, सबको बताते हैं। एक पंखा दान दिया तो 3 ब्लेडों पे 3 नाम लिख दिया, अपना भी, अपने बेटे का भी और अपने बाप का भी। या लंगर लगाया तो पीछे बैनर लगा दिया, किसी को 10 रुपये दिए तो 10 आदमियों को बता दिया, या कोई भी परोपकार का काम किया तो 1000 लोगों को बता दिया। तो आपने अपनी अच्छाई को अनढक कर दिया, वो फलीभूत नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं नेकी कर, आपको पता है सबको कि नेकी करके कहाँ डालनी है, डीप सी में, किसी को नहीं बताना। सीधे हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, ये हमारे उद्देश्य है। और अगर जो बुराई करते हैं हम, वो हम छुपा लेते हैं, ना माँ को बताई, ना बाप को बताई, ना भाई को बताई, ना दोस्त को बताई। क्रिश्चियन कहते हैं अगर आपसे बुराई हो जाओ, चर्च में आओ, कन्फेशन रूम बनाया हुआ उन्होंने, पादरी बैठा मुंह इधर करके, आप मुंह उधर करके उसको अपनी बुराई बता दो, मेरे से ये बुराई होगी, वो आपको कोई ना कोई उसका उपाय बताएगा। अर्थात आपने अपनी बुराई को अंडर कर दिया। वही मैंने मैडम को कहा था कि आज से अगर आप जीवन में सिर्फ यही नियम मान लो ना प्रकृति का, कि मैं जो अच्छाई करूंगा वो किसी से नहीं बताऊंगा, और जो बुराई करूंगा वो सबको बता दूंगा, तो आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। एक और नियम लागू है पृथ्वी का कि जो भी अच्छी चीज आपने इस धरती माँ से लेनी है उसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे, उपराला करना पड़ेगा। अगर गेहूं पैदा करनी है तो 7 बार उसको हलना पड़ेगा, फिर उसमें बीज डालना पड़ेगा, फिर उसमें खाद डालनी पड़ेगी, फिर उसमें पानी डालना पड़ेगा, फिर उसको राखी करनी पड़ेगी, फिर वो 3 महीने 4 महीने के बाद आपको गेहूं के अनेक दाने वापस देगी। पर अगर आपको धतूरा पैदा करना है, बिच्छू घास पैदा करनी है, खड़पतवार पैदा करनी है, ना बीज की जरूरत है, ना खाद की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, ना किसी चीज की, तो अपने आप आएगी। अर्थात कोई भी अच्छा कर्म आपको उपराला करके करना पड़ेगा, और बुराई जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो बुराई आ गई उसे आप अंडक कर दो, जो उपराला करके आपने अच्छाई करी उसे कवर कर दो, आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। स्कूल कॉलेज बने ना भाषा सिखाने के लिए, का खगा भी सीखनी हो तो किसी पाठशाला में जाना पड़ता है, गाली सीखने की कहाँ है पाठशाला, हर बच्चे को आती है। तो ये बुराई है, ये अपने आप आएगी, ये तो आप उखाड़ोगे फिर आ जाएगी, उखाड़ोगे फिर आएगी, जितना खड़पतवार उखाड़ो उतनी आ जाती है। पर गेहूं पैदा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करके अच्छा काम करो।